हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्यखंड का जो 7 चैप्टर है पुत्र वियोग, उसके VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो 7 चैप्टर है वो क्या है, पुत्र वियोग, और इसकी जो कवित्री है, इसकी जो रचनाकार है वो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगर आपको फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है। ठीक है, कवित्री का खिलौना क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे कवित्री अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। ठीक है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो खिलौना है वो कौन है, उनका पुत्र। बच्चों को खिलौना क्या होता है, प्रिय होता है। ठीक है, बच्चों को क्या होता है, खिलौना प्रिय होता है, उनसे खिलौने से काफ़ी प्रेम होता है बच्चे को। वह खिलौना के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है, खिलौने के टूट जाने पर वह दुखी होता है, अर्थात खिलौने के साथ ही वह अपना जिंदगी महसूस करता है, उसके साथ उसका क्या रहता है, कनेक्शन रहता है, जुड़ाव रहता है। उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका जो बेटा है उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, उसी के दुख के साथ, ठीक है, वह दुखी होती है और उसी की खुशी से वह खुश होती है। तो कवित्री का खिलौना कौन है, उनका बेटा, उनका पुत्र। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। ठीक है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है क्योंकि कवित्री ने अपनी बेटी की देखभाल तथा लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, कैसे, तो बेटे को ठंड न लग जाए इस डर से उसे कभी गोद से नहीं उतारा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बेटे को ठंड न लग जाए इस भय से क्या किया, उन्हें गोद से कभी नहीं उठाया, जब भी उसने माँ कहकर एक बार आवाज़ दिया, उन्होंने क्या किया, सारा काम छोड़कर वह उसके पास चली आई। ठीक है, पत्थर को भी देवता मानकर पूजा किया, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सकी, इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान खुद को असहाय और विवश कहती है। ठीक है, कि मैं बैठी ही रही, मैं कुछ नहीं कर सकी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। ठीक है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो माँ अपने पुत्र को गर्भ में 9 माह रखकर नई जिंदगी देती है। ठीक है, पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है, वह अपने पुत्र के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, बेटे को ठंड न लग जाए, इस पठित पाठ के आधार पर हमें बताना है, तो बेटे को ठंड न लग जाए इस डर से गोद से नहीं उतारती है। ठीक है, अगर कभी उस वो आवाज़ दे कि माँ, तो वह सारा काम छोड़ करके उसके पास चली आती है, उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। ठीक है, साथ ही उसे अच्छे संस्कार भी देती है। तो माँ क्या क्या करती है हम लोगों ने अपने पुत्र के लिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। 4 नंबर क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। ठीक है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है, तो माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका बेटा उससे दूर चला जाता है। ठीक है, जिसे वो अपना खिलौना मानती है, जिसे वो अपना सब कुछ मानती है, ठीक है, वह उससे दूर हो जाता है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है, माँ का सर्वस्व यदि उससे दूर हो जाता है, अर्थात उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। इनमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये कविता लिखा है पुत्र वियोग, इसमें क्या है, उनकी बेटे की मृत्यु हो गई है आकस्मिक। ठीक है, तो माँ को अपना मन समझाना कठिन हो जाता है जब उनका बेटा उनसे दूर हो जाता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के असामयिक निधन पर उन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, पुत्र के वियोग में। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र को छौना कहकर संबोधित किया है, तो उसमें क्या भाव छिपा है वो हमें बताना है इस आंसर के माध्यम से, इस क्वेश्चन में।
चौना का अर्थ है पशुओं का बच्चा, ठीक है। चौना का अर्थ क्या होता है? पशुओं का बच्चा, अर्थात हिरण जो होता है उसका, उसके बच्चे को भी हम क्या कहते हैं? चौना ही कहते हैं, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने अपने बेटे के लिए चौना शब्द का प्रयोग किया है। हिरण का बच्चा भोला तथा सुंदर दिखता है, ठीक है। हिरण का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? पशुओं का भी जो बच्चा होता है वो क्या होता है? काफ़ी सुंदर दिखता है। इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है। अतः कवित्री ने अपने बेटे को छौना इसी अर्थ में कहा है, क्योंकि उनका जो बेटा है कवित्री को क्या लग रहा है? सुंदर, भोला, चंचल लग रहा है, ठीक है। तो इस अर्थ में कवित्री ने अपने बेटे को छौना कहा है। अब हमारा चार अंक स्तरीय प्रश्न, आपके एग्जाम में अर्थ स्पष्ट करें, व्याख्या करें, ठीक है, या सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसा करके क्वेश्चन आता है चार, उसमें से आपको दो का आंसर देना रहता है, दो गद्यखंड से रहता है और दो पद्यखंड से रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा पुत्र वियोग का चार अंक स्तरीय प्रश्न। आज अर्थ स्पष्ट करना है इसका। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ठीक है। क्या है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। तो हम पहले क्या देखते हैं? पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, कि ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, और इसके जो रचनाकार है, इसकी जो कवित्री है वो कौन है। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवित्री, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो किस प्रकार की कवित्री है? तो छायावादी है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है। किस कविता से लिया गया है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता से, ठीक है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपने बेटे के आकस्मिक निधन, ठीक है, या अशामिक कहे कि समय पे नहीं हुआ है, एज पे नहीं हुआ है उनके पुत्र का निधन, ठीक है, आकस्मिक निधन की स्मृतियों को याद कर अपने अशांत मन के व्यथा को बताया है। उनके मन में जो अशांति फैली हुई है, वो जो दुख में अभी जी रही है, उसको उन्होंने वर्णित किया है, उसका चित्रण किया है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन, और इसमें देखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती है, आज सभी दिशाएं हर्षित है, ठीक है, सभी जगह प्रसन्नता छाई हुई है, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है। सभी जगह क्या है? प्रसन्नता छाई हुई है, खुशी छाई हुई है, सारे जगह उल्लास का वातावरण है, लेकिन मेरा पुत्र जो मुझसे खो गया है वह अब तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है, यह खुशी मेरे लिए व्यर्थ है जो कि संसार में छाई हुई है। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है और वह खुद को अकेला महसूस कर रही है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मम्र उद्घाटित करें। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे, ठीक है। इसका भी आपको अर्थ स्पष्ट करना है, इसका मम्र बताना है, ठीक है। तो देखेंगे इसका हम फर्स्ट में क्या करते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवित्री, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित पुत्र वियोग, ठीक है। पुत्र वियोग क्या है? एक कविता है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है, जो कि मुकुल का एक अंश है, ठीक है। मुकुल क्या है? उनकी प्रतिनिधि काव्य संग्रह है, तो मुकुल का एक अंश है पुत्र वियोग। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने माँ के हृदय की गहराई में अवस्थित ममता की व्यापकता का चित्रण किया है, ममता का वर्णन किया है, ठीक है, कि एक माँ सभी तो रह सकते हैं, लेकिन माँ का जो हृदय होता है वो एक पुत्र के बिना रहना क्या होता है? असंभव लगता है उन्हें। तो देखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहती है कवित्री। तो इस पंक्ति के माध्यम से अपने बच्चों के प्रति माँ से अधिक किसी व्यक्ति का लगाव नहीं होता, ठीक है। कवित्री कहती है, भाई तथा बहन भूल जा सकते हैं, पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दुख सुख में जो तुम्हारे साथ रहने वाली है तुम्हारी माँ, वह तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। तो फिर हमारा पांच अंक स्तरीय प्रश्न, पुत्र वियोग कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखे, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर। पुत्र वियोग शीर्षक सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक छायावादी कवित्री है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक छायावादी कवित्री है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद भी एक छायावादी कवि है, ठीक है। इस कविता में कवित्री ने माँ के हृदय की गहराई में अवस्थित ममता का व्यापक चित्रण किया है, ठीक है।
इस कविता में पुत्रवियोग कविता के माध्यम से कवित्री ने एक माँ के हृदय को बताया है, उसके भावना का चित्रण किया है। कवित्री ने अपने बेटे के आकस्मिक निधन की स्मृतियों को याद कर अपने अशांत मन की व्यथा का वर्णन किया है। ठीक है, किन्होंने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उनके जो पुत्र का निधन हो गया है तो उस पर, उस घटना को याद कर, ठीक है, वह उन्होंने अपने हृदय का वर्णन किया है कि उनके मन में जो अशांति फैली हुई है उसका चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है पुत्रवियोग के माध्यम से। कवित्री कहती है, आज चारों ओर खुशी का वातावरण है, ठीक है, सारे विश्व में उल्लास छाया हुआ है, सभी जगह क्या है, प्रसन्नता छाई हुई है, खुशी का वातावरण है, लेकिन मेरे लिए यह खुशी क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि क्या है, कवित्री का जो पुत्र है वो मर गया है। ठीक है, मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कवित्री का कहना है, मैंने उसके देखभाल में सारा ध्यान केंद्रित किया, जब भी उसने हमें बुलाया तो मैं सारा काम छोड़ करके उसके पास चली आई, उसे ठंड न लगे इस भय से हमने कभी उसे गोद से नहीं उतारा, उसे ठंड न लगे इस कारण गोद से नहीं उतारा, उसके माँ कहने से सारा काम छोड़ कर उसके पास दौड़ी चली आई। ठीक है, ये कौन बोल रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। रात भर जागकर लोरिया गाकर उसे सुलाई, फिर भी मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। ठीक है, कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, मैंने उसके लिए सारे सुखों को भुला दिया। रात भर जाकर के क्या किया है, लोरिया गाई है मैंने, कवित्री का कहना है ये, पत्थर को देवता मानकर उसकी पूजा की, मंदिरों में पूजा अर्चना कर शीश झुकाया। ठीक है, पत्थर को भी मैंने देवता मानकर उस पर दूध बतासे चढ़ाए, मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना की उसके लिए, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। ठीक है, फिर भी किसी, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का कुछ नहीं चला, मेरे हृदय का टुकड़ा जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पुत्र है, ठीक है, मुझसे छीन ही गया, मुझे एक भी पल की शांति नहीं है, क्योंकि मैंने अपना अनमोल धन खो दिया है। ठीक है, कवित्री ने अपने पुत्र को किसकी संज्ञा दी है, अनमोल धन की, मैं उसे अब नहीं पा सकूँगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात कवित्री को पूरा विश्वास है कि मैं उसे दोबारा नहीं पा सकूंगी अपने पुत्र को, क्योंकि उनके उसका निधन हो गया है। कवित्री कहती है, मैं अगर एक बार अपने पुत्र को पा लेती, ठीक है, कवित्री कल्पना करती है कि मैं अगर उसे एक बार पा लेती तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए। ठीक है, भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे सुख दुख की जो तुम्हारी साथी है, तुम्हारी माँ, वह तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना क्या होता है, बड़ा ही कठिन होता है, वह उसे भूल नहीं पाती है उस घटने को। इस प्रकार कवित्री ने पुत्र विछोह का एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है पुत्रवियोग कविता के माध्यम से। ठीक है, तो आज ये हमारा वीडियो यहीं तक था। आज हम लोगों ने पुत्रवियोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, इसके आगे जितना भी चैप्टर है हम सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर व्याकरण को भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।